सारी बात। नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी और आज हमारा कैमरा पहुंचा है सीमांतपुर में। इस वक्त हम हैं यहाँ पे, यज्ञ हो रहा है। यज्ञ जो होता है वो होते रहना चाहिए। आज के व्यस्त जिंदगी में जिस तरीके से लोग भगवान और आस्था इन चीजों से दूर होते जा रहे हैं, इस वक्त एक सुखद एहसास होता है जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है। सबसे पहले तो ये बताइए किस तरीके का ये प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम विष्णु जग का है और इसका मात्र उद्देश्य है कि पूरे गांव में, समाज में भाईचारा शांति बना रहे, पूरे इसका पूरे इलाके में, राज्य में, विश्व में शांति रहे, इसी उद्देश्य से विष्णु जग किया जा रहा है। कितने दिन चलेगा सर ये प्रोग्राम? आज से प्रारंभ होके 7 तारीख को समाप्त हो जाएगी, 7 मई को। 7 मई को जी। तो मतलब हर साल होता है या इस जी बार? ना, एक मतलब एक बार मुखिया जी की इच्छा हुई और उनकी मेन ये थी कि उनकी 50वीं सालगिरह शादी की भी थी, तो सोचे कि भाई और सबसे बढ़िया हम धर्म का ही काम क्यों नहीं करें। समाज के भीड़ में एक बार कैमरा मैन को पीछे दिखाएं, कितनी भीड़ जबरदस्त है। और ये लोग समूचे गांव के लोग सहयोग किए, समूचे लोग हो रहा है, एक आदमी का नहीं है, हर आदमी की सहयोग है। हमारे साथ समाज से भी विकास जी भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। विकास जी, आप ये बताइए कि बाराहाट के बगल में आपका गांव है जी, हरदेवचक पंचायत में पड़ता है, वहाँ से इतनी दूर क्या प्रयोजन है, क्या मनसा थी जी? इसका प्रयोजन यह है कि जब हमें पता चला कि हमारे पड़ोस में, बगल में धर्म का प्रचार किया जा रहा है और धर्मा इसका जो है भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है यज्ञ के माध्यम से, तो हमने सोचा कि यहाँ जाने से जो है थोड़ा प्रचार प्रसार बढ़ेगा और ख़ासकर डिजिटल युग का ज़माना आ गया है, तो हम लोग जो है सोशल मीडिया के थ्रू भी धर्म का प्रचार करेंगे और इससे जितना ज़्यादा लाभ हो सके लोग प्राप्त करेंगे। किस तरह का माहौल लग रहा है यहाँ पे? आस्था लग रहा है कि जैसे कि पूरा जो है आस्थामय हो गया है पूरा इलाका, हर जगह जहाँ भी जाएं। इतनी लंबी पद यात्रा थी, अगर आस्था का ना हो, कोई मान लीजिए मार्केट जाता है 3-4 किलोमीटर चल लिया तो थक जाता है, लेकिन मैंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं, छोटे बच्चे कलश यात्रा में शामिल हुए, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी भी उन्होंने तय की। क्या कहेंगे आप, किस तरह का माहौल है? जी हाँ बिल्कुल, उनकी आस्था को ये दर्शाता है जिस प्रकार उन्होंने, मैंने देखा कि रास्ते में किस प्रकार कंकड़ और पत्थर कहीं कहीं मिल रहे थे, उसके बावजूद माता बहनों का जो है धैर्य बिल्कुल नहीं टूटा और ये उनकी आस्था को ही दर्शाता है। अब मुझे ये बताइए कि आज के व्यस्त जिंदगी में बहुत सारे लोग जो हैं आस्था से दूर होते जा रहे हैं, भगवान से दूर होते जा रहे हैं, उन लोगों को हमारे चैनल ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ग्रामीण सुदूर इलाके में आकर इस प्रकार का कार्यक्रम जो हो रहा है उसका कवरेज किया और इसको अपने चैनल से प्रसारित करने का काम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पे धर्म का जिस प्रकार मतलब विलुप्त हो रहा है और इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है, और ख़ासकर यहाँ सीमांतपुर गांव में जो हमारे फूफा जी भी हैं, जिला परिषद के पूर्व जिला परिषद रह चुके हैं, उनके परिवार के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, काफ़ी बढ़िया आयोजन किया जा रहा है और इससे निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं यहाँ भीड़, इससे निश्चित तौर पे काफ़ी मतलब लाभ मिलेगा ग्रामीणों को, और मैं चाहूँगा कि यहाँ आस पास के इलाके में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने का। यज्ञ में कुछ भक्ति प्रेमी लोग भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो अपना परिचय दें और आज का जो माहौल है यहाँ का, किस तरीके का माहौल है ये हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा बड़ा छोटा सा परिचय है, मेरा नाम विमलेश है और मैं दिल्ली में पत्रकार हूँ जी। और जो आज का माहौल है सिर्फ भक्ति में माहौल है, एक यज्ञ रखा गया है, 5 दिन का यज्ञ है और इसमें सभी कम से कम आस पास के 50 गाँव के लोग आए हैं, काफ़ी भक्तिपूर्ण माहौल है। ये बताइए कि आज के व्यस्त जिंदगी में लोग धर्म कर्म से दूर होते जा रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही संदेश देना, आप देखे होंगे कितनी मौसम कितना गर्म है आज, उसके बावजूद भी कम से कम 10 किलोमीटर लोग पैदल चले और छोटे छोटे बच्चे भी चले, तो यही एक संदेश है कि सब लोगों को एकजुट होकर धर्म के प्रति जो आस्था है वो कायम रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने।
जी, सबसे पहले तो अपना परिचय दें और ये बताएं कि आज जो सीमांतपुर का माहौल है वो किस तरीके का है, जिस तरीके से इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ जुटे, कलश यात्रा अभी हमने देखा, कितनी भीड़ रही और लोग थके नहीं, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम संतोष कुमार है, यही मध्य विद्यालय मद्रास सीमांतपुर में सहायक शिक्षक हूँ। जब से भूतपूर्व मुखिया जी कलश यज्ञ का जब प्रयोजन के लिए 20 तारीख को झंडा गाड़ा गया, उसी समय से हम लोग इस यज्ञ में रम गए और गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या बड़े हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, सबको हम लोग यज्ञ के बारे में बताए और मतलब क्या कहा जाता है उसको, अपने भक्ति की ओर लाने के लिए चाहे। और हम यही कहेंगे कि इस यज्ञ से गांव वाले को जितने भी गलत फहमी हो उससे दूर रहे और सही रास्ता पे आए। सही रास्ता पे आए, सही रास्ता दिखाना आज के युवाओं को भी खासकर ज़रूरी है। आप मुझे एक बात बताइए कि अध्यात्म और विज्ञान का जो संगम है, किस तरीके से समाज की रूपरेखा बदल सकता है? आप एक शिक्षक भी हैं तो आप बेहतर मुझे समझा सकते हैं, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। सर, विज्ञान तो आज के समय में बहुत डेवलप कर गया है। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि पहले छोटा सा मोबाइल चलता था, अब 4G का मोबाइल आने लगा। पहले हम लोग चिट्ठी के माध्यम से भी करते थे, लेकिन अब हम लोग मोबाइल के माध्यम से या नेट के माध्यम से कोई भी बात को करते हैं और समझते हैं और जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इस बारे में जानते हैं। अध्यात्म धीरे धीरे सब, जिस तरह विज्ञान बढ़ रहा है, अध्यात्म धीरे धीरे जो है वो लुप्त की ओर जा रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उसको भी बरकरार रखें। तो वो दोनों जो है आपस में अगर मिल जाएं तो एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। अच्छा निर्माण हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने विचार रखने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यज्ञ में जो सीमांतपुर में यज्ञ हो रहा है, कुछ भक्ति प्रेमी महिलाएं भी मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए अम्मा, किस तरह का माहौल है, कितनी दूर आप लोग गए थे अभी कलश यात्रा में? से भगैया आई मडो कलकत्ता है, अरे कुमडो वहाँ पर जल भरे मंदिर के पास, और वहाँ से जल भर के चारों बगल मंदिर के पास घूम कर प्रार्थना कर कर यहाँ पर कलश यात्रा को स्थापित यहाँ पर रखे हैं। और यहाँ जब कुंडली में बैठे हैं। ये बताइए कि भक्ति भाव में जो है आजकल बहुत सारे लोग भक्ति भाव से दूर होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में? नहीं, भक्ति में जुड़ने से अच्छा होता है और वो अलग होने से ठीक नहीं होता है। ये कि भक्ति में ही भगवान मिलते हैं। हाँ, कलश यात्रा में शामिल हुए, मन को कितनी शांति मिली? बहुत शांति मिली, स्वस्थ शरीर लग रहा है। 10 किलोमीटर चलने के लिए लोग सोचते हैं, लेकिन इतनी आसानी से आप लोग चल दिए। इसके पीछे किसकी कृपा कहेंगे? भगवान का कृपा है, भगवान की साक्षात कृपा है। और पूछेंगे अब ये बताइए कि कितने दूर का अभी कलश यात्रा का हुआ, लगभग कितने दूर आप लोग गए थे? लगभग 3 किलोमीटर दूर गए थे, उधर फिर आने में 3 किलोमीटर, मतलब 6 किलोमीटर। किस तरह का माहौल है यहाँ पर? पहली बार यज्ञ हो रहा है इस गांव में कि इससे पहले भी हुआ था? और हम सबको मतलब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इतनी दूर आप लोग गए, इतना दुर्गम रास्ता था, रास्ते में कंकड़ पत्थर सभी थे, लेकिन किसकी कृपा मानते हैं इसके पीछे? भगवान का, भगवान पे ही भरोसा सबसे ज्यादा है। आजकल लोग जो है धर्म कर्म के कार्यों से दूर होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आप देखते होंगे पारिवारिक झमेले में ही फंस के रह जाते हैं, क्या संदेश देंगे उन लोगों को? उनको जो है भगवान में रुचि, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जी बोलिए, किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। यज्ञ जो होता है उसमें जो है जो भक्ति प्रेमी लोग हैं उनके लिए एक तरीके से जो है एक खुशियों की बात होती है, दिल में भी काफ़ी खुशियाँ होती है, एक संतुष्टि का भाव होता है, भगवान के प्रति प्रेम होता है, उस प्रेम को दर्शाने का मौका मिलता है। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग इतनी दूर कलश यात्रा में गए, और सोच के भी लगता है कि 8-10 किलोमीटर जाना आना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन इतनी आसानी से चले गए, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग तो ये मेरी सौभाग्य की बात है जो हम लोग को ये मौका मिला कलश उठाने के लिए, उठाया, लेकिन बहुत अच्छा लगा, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन इरादे अटल थे, इरादे अटल थे, जो चाहे मन में वो
होने का जो इच्छा वो हम लोग का पूरा हो गया। और हम कितने कितने दिन का यहाँ पे पूरा आयोजन है? लगभग 5 दिन का है। 5 दिन का आयोजन, 5 दिन का है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के। धर्म कर्म के कार्यों से क्या लगता है समाज में किस तरह का बदलाव आता है? समाज में नैतिकता का जो है पतन होते जा रहा है, और उसको देखते हुए अभी जो है निहायत जरूरी है कि हम हमारे जो अग्रज हैं या हमारे जो अनुज हैं उनको धार्मिक पथ पे जो है चलाया जाए ताकि नैतिकता के प्रति वो जागरूक हो जाए। समाज में एक दूसरे को सम्मान देना, धर्म के अनुसार चलना, ये बहुत जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में। कितने दिनों का ये प्रोग्राम है और किस तरीके का प्रोग्राम है यहाँ पे? ये 7 तक ये महाविष्णु महायज्ञ होने जा रहा है और 7 तारीख तक का ये कार्यक्रम। 7 तारीख तक का कार्यक्रम है। इतनी ज़्यादा संख्या में, कल का दिन भी काफ़ी गर्म था, आज थोड़ा सा मौसम जो है यहाँ का काफ़ी खुशनुमा है, अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और सामान्यतः ये देखा जाता है कि जब भी इस तरह के कार्य होते हैं तो भगवान की तरफ से जो है प्रसाद के रूप में भी एक तरीके से बरसात जो है चनामृत के रूप में हो ही जाता है। ये बताइए कि आपको लग रहा था ये 10 किलोमीटर जो है इतनी महिलाएँ यहाँ से, बहुत दुर्गम रास्ता था, किस तरह की प्रेरणा लेकर वो चल रही थी, क्या कहेंगे इस बारे में? आस्था ऐसी चीज़ है कि जिसके कारण लोग जो है हिमालय पे भी जाके और संन्यास ग्रहण करके तपस्या करते हैं। लोग पैदल जो है बाबा धाम जाते हैं, देवघर जाते हैं, बासुकीनाथ जाते हैं। तो आस्था सबसे बड़ी चीज़, आस्था के सामने दुनिया की कोई भी बाधा वो जो बिल्कुल नगण्य, हम तो यही मानते हैं। और यही कारण था कि आज 10 किलोमीटर का सफर, ऊपर से ईश्वरीय कृपा भी हो गई कि आज मौसम भी बिल्कुल खुशनुमा रहा। हमारे साथ मौजूद हैं रघुवंश सिंह जी, इनसे पूछेंगे। पीछे देख रहे हैं आप, यज्ञ का मंडप है और यहाँ पे सीमानपुर में यज्ञ हो रहा है, जो कि काफ़ी खुशी की बात है। इस तरह के धर्म कार्य जब भी होते हैं तो इसका एक समाज पे जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पड़ना भी चाहिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे आपके जहन में आया कि इस तरह का कोई कार्यक्रम होना चाहिए? मैं, मेरे बाबूजी बहुत धार्मिक आदमी थे, वो भी पूर्व मुखिया थे, उनके द्वारा यह प्रेरणा मिला हमको कि गरीबों का ध्यान रखना, और वो कम उम्र में हम लोग को छोड़ दे। तो आज उनके जन्म पुण्य तिथि पर 20 मार्च को मेरे द्वारा हुआ कि बाबूजी नहीं कर सके, हम इस जब को 20 मार्च को झंडा उत्तोलन किए। इसके बाद आज जो है तो मेरे मन में हुआ कि बहुत दिन से मैं सामाजिक प्रतिनिधि था, अब अंतिम उम्र मेरा हो गया, सारे लोगों के बीच का इस जग को संपन्न करके जबकि हम लोग हिंदू रीति के अनुकूल चलते हैं, तो मन में भावना हुई अपने लड़का विनय कुमार और विमलेश कुमार से सलाह विचार करने के बाद वो लोग बोले कि बाबूजी आपको जो इच्छा हो कीजिए, हम आपके साथ। मेरे भाई उमेश प्रसाद सिंह जिला परिषद, अवधेश प्रसाद सिंह पैक्स अध्यक्ष, श्याराम सिंह SDM मुंगेर, और मिथिलेश कुमार सिंह प्रखंड विकास पदाधिकारी कांकीला। अच्छा ये बताइए कि इस तरह के जब कार्य होते हैं, जब आपने सोचा तो आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है उस समय ख्याल आया होगा कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, किस तरीके से करना है। आज इस तरह की कलश यात्रा में भीड़ रही और जिस तरीके से महिलाएं, मैंने देखा कि कितनी दुर्गम रास्तों पे 10 किलोमीटर तक का सफ़र जो है अगर पूरा देख लें तो घुमा फिरा के उन लोगों ने पूरा किया, क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरह की भक्ति भाव, किस तरह की प्रेरणा रही है ये? यह जो गांव मेरा है, सबों के लिए मैं 41 वर्ष इस पंचायत राज जगन्नाथपुर से लेकर राज गाँव राजी का मैं प्रतिनिधित्व किया। उस दरमियान इस गांव नहीं, 11 गांव के आदमी का ये झुमार जो देख रहे हैं आप, 11 गांव के लोगों का आना हुआ, और हमारे प्रेम और ईश्वर के प्रेम के चलते इतना दुर्गम रास्ता महिलाओं ने तय। आपको क्या लगता है कि कितना प्रभाव पड़ता है इस तरह के आयोजनों का समाज के ऊपर? जिस तरीके से समाज में दो तरह की चीज़ें हैं, कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं, कुछ सकारात्मक भी चीज़ें हैं, कितना प्रभाव पड़ता है इन धार्मिक कार्यों का समाज के ऊपर? समाज के ऊपर अगर इस तरह का कार्यक्रम हो
तो समाज में छोटे बड़े मुसलमान हिंदू सभी लोग रहते हैं हम, हाँ। और इसमें भी वो लोग सारे उन लोगों के पद में भी हम लोग सारे लोग शरीक होते हैं और इसमें भी बोले हुए भाईचारा का बंधन, इसमें सद्भाव, भाईचारा, सद्भावना का संदेश है। बहुत बहुत